Good morning everyone and welcome to online study system of CR International School. Dear student, we are talking about your chapter number first, that is power sharing. आपका जो chapter अभी हम लोग continue कर रहे हैं हमने वो power sharing है. कल हमने क्या पढ़ा था power sharing के बारे में? कल हमने पढ़ा था power sharing क्यों जरूरी है, हमें power को share क्यों करना चाहिए, किस reason से हमने power को share करना चाहिए. इसमें हमने आपके दो reason main discuss किए थे. एक आपका था प्रोडेंशियल रीजन और दूसरा था आपका मॉरल रीजन. प्रोडेंशियल रीजन जो समझदारी वाले रीजन कहलाते हैं हमारे पास, मॉरल रीजन जो हमारे पास नैतिक हमारे पास कह सकते हैं आपका कि हमारी जिम्मेवारी है या नैतिक कर्तव्य हमारे पास बनते हैं, तो वो हमारे पास दो तरह के रीजन थे. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका चैप्टर है उसका हार्ट एंड सोल है, ये वाला क्वेश्चन मतलब मेन क्वेश्चन है आपका. और इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है. क्या है क्वेश्चन? फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग, यानी कि पावर किस किस तरह से शेयर की जा सकती है. व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग कैसे की जाती है, पावर शेयरिंग क्या होती है, व्हाट इज द पावर शेयरिंग, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग. इस तरह के क्वेश्चन, सच काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन फाइंड इन टू द एग्जामिनेशन. आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे. तो अभी आपको फोकस करना है, मेन क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर का, फाइनल क्वेश्चन हम समझ सकते हैं आपका. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग. पावर कैसे कैसे शेयर की जाती है, या जो डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी के अंदर किस किस तरह की पावर शेयरिंग की जा सकती है, किस कंट्री के अंदर किस तरह से पावर शेयर की जाती है, डिपेंड करता है वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन पर. मोस्टली जो हम लोग देखते हैं हमारे पास पूरे वर्ल्ड के डेमोक्रेसी का जब कंक्लूजन निकाला जाता है तो हमारे सामने इस तरह की पावर शेयरिंग हमारे सामने आती है जो आपके सामने लिखी हुई है. हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे पावर शेयरिंग. तो सबसे पहले आपका है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. देखो पावर को शेयर किया जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. ये हम ऑर्गन्स के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. हमारी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं जैसे जुडिशरी हमारे पास हो गया, लेजिस्लेटर्स हो गए और एग्जीक्यूटिव हो गए. उनके अंदर पावर को शेयर किया जाता है, दे आर गिवन पावर. और इस सिस्टम को हम लोग चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी बोलते हैं. चेक एंड बैलेंस सिस्टम मतलब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन की पावर को चेक करता है और इस तरह से किसी भी तरह की गलत कह सकते हैं आपका कि जो रूल्स हैं उनका मिसयूज ना हो सके उससे बचाया जा सके. इसलिए इसको चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं हमारे पास उन पे चेक एंड बैलेंस आपका जुडिशरी करती है. जुडिशरी को जो अपॉइंटमेंट किए जाते हैं वो हमारे लेजिस्लेटर्स करते हैं. लेजिस्लेटर्स पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन लागू किए जाते हैं वो फिर से हमारे पास जो जुडिशरी होती है वो लागू करती है. इतने से आपका एक दूसरे ऑर्गन एक दूसरे के क्या आपके पावर्स को चेक करते हैं. इससे क्या बना रहता है हमारे पास, पावर का बैलेंस बना हुआ था, कोई अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहा है. ये हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. किस तरह से इसको हम लोग डिफरेंट ऑर्गन्स का ऑर्गन्स जो हमारे गवर्नमेंट के आपके लेजिस्लेटिव है एग्जीक्यूटिव है जुडिशरी. तो जो डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर इसको हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग भी कहा गया है. जैसे इसमें लिखा हुआ है हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग, हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग भी इसको कहा गया है. मतलब क्या हुआ कि सेम लेवल पर है हमारे पास हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग हमारे पास ये कहलाती है हमारे पास. इसमें आपके लेजिस्लेटिव हो गए, लेजिस्लेटिव यानी कि आप कह सकते हैं आपका MP हमारे पास हो गए या फिर MLAs हमारे पास, लेजिस्लेटर्स हो गए हमारे पास, एग्जीक्यूटिव्स मतलब हमारे पास IAS IPS ऑफिसर्स हो गए हमारे पास, जुडिशरी हमारे पास जजेस वगैरह हमारे पास हो गए. जो हमारे पास जुडिशरी के हमारे पास लेवल बने हुए हैं जैसे मैंने कल भी बताया था आपको, हमारे पास जुडिशरी का लेवल बना हुआ है. एक आपका सुपरिंटेंडेंट कोर्ट होता है जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल होगा, दूसरा आपका हाई कोर्ट होता है और तीसरा हमारे पास सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, जो मोस्टली हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट पर ध्यान रखता है. तो ये हमारे पास पावर शेयरिंग है. इसको दो चीज़ें आपको खास तौर पर ध्यान रखनी है आपका, डिफरेंट ऑर्गन्स गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर पावर को शेयर किया जाता है. पावर शेयर करने के लिए हमारे यहाँ पे सबको लगभग लगभग इक्वल सी पावर दी जाती है और इस सिस्टम को हम लोग चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं या फिर हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग भी इसको कहा जाता है. बिकॉज कैसे भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय द हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग, हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है. और क्वेश्चन ये आ सकता है आपका कि हाउ द पावर इज शेयर इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें किस तरह से पावर को शेयर किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग हाउ इट इज, या फिर व्हाट इज द चेक एंड बैलेंस सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट. चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्या होता है गवर्नमेंट का, वो आपका सेम क्वेश्चन आपका इससे बनता है. चलिए
नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ये तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग था, अब हमारे पास अलग अलग लेवल पे 1, 2, 3 इस तरह से हमारे पास लेवल बोलते हैं हमारे पास। इसको हम लोग अगले चैप्टर में जब फेडरलिज्म उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसमें आपको 2-tier गवर्नमेंट हमारे पास है, 3-tier गवर्नमेंट हमारे पास है, इस तरह की गवर्नमेंट्स के बारे में लोग डिस्कस करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास इंडिया का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो इंडिया के एग्जांपल में हमारे पास हमने तीन तरह के लेवल हमारे पास 3-tier गवर्नमेंट इंडिया के अंदर है। दैट इज सेंटर के अंदर हमारे पास होते हैं MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जिनको हम लोग चुनते हैं, स्टेट के अंदर होते हैं MLA राइट MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड लोकल गवर्नमेंट में आप कह सकते हैं आपका जिला परिषद आपका कह सकते हैं, आपका पंचायत समिति आप लोग बोल सकते हैं, पंचायत कह सकते हैं, आपका ग्राम सभाएं हो सकती हैं। तो ये हमारे पास ग्राम पंचायत होती है हमारे पास। तो ये हमारे पास डिफरेंट लेवल, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंट लेवल पे हमारे पास पावर को शेयर किया जाता है। क्योंकि देखो हमारे पास जो सारी पावर है, मान लो हमारे पास प्रेसिडेंट है या हमारा प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास रहेंगे तो हम सिंपल सी बात है आपका कि वो सभी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, फिर वो हमारे पास पावर शेयरिंग के अंदर हमारे पास नहीं आता है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लोकल लोगों की जो समस्याएं हैं उनको बेटर तरीके से कौन बता सकता है, वहाँ के लोकल लोग बताते हैं, तो इसलिए उनको कुछ पावर दे दी जाती है। इसी तरह से जो हमारे पास पंचायत एक्ट निकाला गया था 95 के अंदर, उसके बाद से धीरे धीरे करके इन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। डिफरेंट लेवल है, इसको हम लोग एक नाम और भी देते हैं, ये हमारे पास वर्टिकल पावर शेयरिंग के नाम से जाने जाते हैं। हम लोग बोलेंगे वर्टिकल पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग ये हमारे पास होता है वर्टिकल पावर शेयरिंग राइट। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब हमारे पास नेक्स्ट पावर शेयर की जाती है वो डिफरेंट सोशल ग्रुप या डिफरेंट कम्युनिटीज के अंदर भी पावर को शेयर किया जाता है। अब ये सोशल ग्रुप में क्या होता है, जैसे आपका अलग अलग जो हमारे पास रिलीजन है, रिलीजियस ग्रुप हमारे पास बन जाएंगे तो रिलीजियस कम्युनिटी हमारे पास आ जाएगी, या फिर डिफरेंट लैंग्वेज बोलने लोग वाले लोग हैं तो उसका लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हमारे पास बन जाते हैं राइट। या सेम काइंड ऑफ ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले, सेम काइंड्स ऑफ कह सकते हैं आपका ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले जो लोग होते हैं वो अपना एक अलग से ग्रुप बना लेते हैं, तो उनको भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ पावर देती है। उसके लिए एग्जाम्पल आपने देखो पढ़ा है अभी अभी हमने इसमें बेल्जियम ऑफ गवर्नमेंट जो बेल्जियम की गवर्नमेंट थी उसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि बेल्जियम के अंदर जो पावर शेयर की गई थी वो आपका डिफरेंट डिफरेंट आपके आपका स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनी थी वहाँ पर, स्टेट गवर्नमेंट भी बनी वहाँ पर, लोकल गवर्नमेंट में नहीं बनी थी, वहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी। क्या बनी थी? आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी जो आपके वहाँ के लैंग्वेज और उनके एजुकेशन के मैटर्स को क्या करती है। तो इस तरह से हमारे पास क्या किया जाता है, पावर को शेयर किया जाता है। तो आपका बेस्ट मॉडल आपने देखा बेल्जियम के बारे में, तो वो इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिटिकल पार्टीज। देखो हमारे पास डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनको भी कुछ पावर होती है। मान लो हम पॉलिटिकल पार्टीज को पावर ना दें तो फिर जो हमारे पास इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन जो होता है, यानी कि इलेक्शन जब होता है, तो मान लो किसी पार्टी जो इलेक्शन लड़ रही है पार्टी, उनके पास कोई राइट्स नहीं होंगे, तो हमेशा ही जो रूलिंग पार्टी है वो विन करेगी, जीत नहीं पाएगी, तो फेयर कंपटीशन होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो पॉलिटिकल पार्टियां जो होती हैं उनको भी पावर दी जाती है। जो लोग कह सकते हैं आपका गवर्नमेंट बनाते हैं उनके पास भी कुछ पावर्स होती हैं, और जो लोग गवर्नमेंट नहीं बनाते उसको अपोजिशन बोला जाता है, हम लोग उसको अपोजिशन बोलते हैं। अपोजिशन जो हमारे पास पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं उनके पास भी कुछ पावर हमारे पास होती हैं। एंड दे अब कई बार क्या होता है हमारे पास, जैसे आपने पढ़ा कि भाई कोलाइजन गवर्नमेंट बन जाती है। कोलाइजन गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि उसको पावर दी गई है पॉलिटिकल पार्टी को भी, अगर वो चाहें तो अपनी मर्जी से किसी को भी अपना समर्थन दे सकते हैं आपका, और एक कोलाइजन गवर्नमेंट बन सकते हैं। उससे आप एग्जांपल हरियाणा का भी ले सकते हैं, अभी हरियाणा में जो गवर्नमेंट बनी है वो BJP और JJP के मिक्स करके हमारे पास एक गवर्नमेंट बनी, उनको कोलाइजन गवर्नमेंट बनाया गया आपका। जो CM हमारे पास मनोहर लाल खट्टर है, और इसके जो कह सकते हैं आपका ज्वाइंट CM जो हमारे CM जो वाइस CM जो हमारे पास बने हुए हैं वो हमारे पास हैं दुष्यंत चौटाला राइट। तो ये हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज को भी पावर दी जाती है ताकि वो लोग क्या कर सकें, अपनी पावर का यूज कर सकें और गवर्नमेंट बनाने में उनका क्या करके अपना हेल्प कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास तो डिफरेंट प्रेशर ग्रुप। इसके साथ साथ देखो अलग अलग तरह के जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स क्या करते हैं हमारे पास, जो गवर्नमेंट होती है उनकी पॉलिसीज पर क्या करते हैं इफेक्ट डालते हैं, उनको प्रेशराइज करते हैं अपने अकॉर्डिंग पॉलिसीज को मोल्ड करने के लिए। जैसे हम लोग बात करेंगे दे इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट एंड फोर्स गवर्नमेंट टू चेंज द पॉलिसीज। ये जो डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स होते हैं
मूवमेंट ग्रुप्स जो होते हैं आपके, वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि वो उनके लिए रूल्स बनाएं, और उन्होंने जो रूल्स, गवर्नमेंट ने अगर कोई रूल बनाया तो उसको क्या करवा सकते हैं, पर चेंज भी करवा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास बहुत सारे इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हमारे पास हैं, जिनके फेवर में बहुत सारी पॉलिसीज निकाली जाती हैं। वर्कर्स जो होते हैं उनकी अपनी यूनियन होती है, दे ऑल्सो हैव देयर यूनियन, ट्रेडर यूनियन होगी हमारे पास, व्यापारी जो लोग होते हैं उनकी अपनी यूनियंस होती है, बिजनेस क्लासेज होगी उनकी अपनी यूनियंस होती है। तो इस तरह से हमारे पास ये डिफरेंट जो हमारे पास पावर है, पावर शेयरिंग हमारे पास इस तरह से की जाती है। तो मेजर हमारे पास आपको ध्यान रखना है आपका, दो हमारे पास मेजर पावर शेयरिंग हमारे पास है, एंड आई विल से तो हमारे पास तीन मेजर पावर शेयरिंग रहेंगे हमारे पास। फर्स्ट इज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, और नेक्स्ट वन इज, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ चेक एंड बैलेंस सिस्टम, डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। एक से ज्यादा हम लेवल बना दें, हम लोग सेंटर में हम लोग सारी जो इश्यूज होते हैं उसको हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं, आपका कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए फिर इसको क्या किया जाता है, आपका लेवल डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया जाता है। इस हमारे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको हम लोग एक आदमी सोल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं और फिर उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑल्सो वर्टिकल पावर शेयरिंग आपका। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सोशल ग्रुप्स होते हैं, अपने फेवर के अंदर अपनी पॉलिसीज को बनवाना चाहते हैं, तो उनको भी पावर हमारे पास दी जाती है ताकि वो उनकी वॉइस को जो पार्लियामेंट है या गवर्नमेंट वहां तक पहुंचाया जा सके, तो उनको भी पावर दी जाती है। पॉलिटिकल पार्टियां, दैट इज यू नो दैट दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ पावर। डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स जो हमारे पास होते हैं वो भी हमारे पास गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो होती है उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी ऑन व्हाट्सएप, और यू कैन कॉल मी, एंड इफ फर्दर हम जब ऑनलाइन क्लासेस पे आएंगे आपका, देन यू कैन मेक योर क्वेरीज क्लियर। दिस इज अगेन मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारा जो चैप्टर है उसका मेन क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग, किस किस तरह से पावर को शेयर किया जाता है डेमोक्रेसी के अंदर, ये डेमोक्रेसी का फीचर हमारे पास है। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू, टिल देन हैव नाइस टाइम, बाय, सी यू।